जय हिंद, मैं नीरज मेहता आप सबका स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल जो भर्ती आया हुआ था, इस आवेदन में आप सभी ने फॉर्म को फिलअप किया था और आवेदन करने के दौरान, फॉर्म फिलअप करने के दौरान जो है कुछ गलती हो गया था किसी स्टूडेंट का, तो उस गलती को सुधार करने के लिए यहाँ पर जो है एडिट का ऑप्शन दिया है और साथ ही साथ जो है अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया है, और जिसका डेट जो है 18 जनवरी से 18 फरवरी रखा गया है। तो टोटल एक महीना लगभग आपको समय मिल जाते हैं यहाँ पे आपको अपना एडिट करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। तो एडिट किसको किसको करना है इसके बारे में जानेंगे, और अपलोड डॉक्यूमेंट जो है क्या है, और अपलोड डॉक्यूमेंट में किसको किसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना और किसको नहीं करना इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप बिहार एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड करेंगे देखेंगे यहाँ पे जैसे कि आप सबको मिल रहा होगा, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। और जैसे कि सबको पता है कि ये जो डेट था अप्लाई करने का डेट 27/9/2023 से 11/12/2023 तक था, और इसमें ऑनलाइन आवेदन करने में मतलब सुधार हेतु जो है ना अवसर कराने के लिए एक अनुरोध मांगा था, एडिट का ऑप्शन मांगा गया था। ठीक, तो इसमें जो है विभाग की ओर से यहाँ पे डेट दिया गया जो कि मैंने पहले भी बताया 18 जनवरी से 18 फरवरी तक दिया गया, और यहाँ पे जो सभी को सूचना दिया गया, सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एडिट करना और डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन पर जो है ना अपलोड करना है। मतलब कि यहाँ पे एडिट का जो ऑप्शन है जिसका गलती है उसको एडिट करना है, और जिसका गलती नहीं है वो एडिट नहीं करेंगे बट उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड हर स्टूडेंट को करना है। अगर जिसने फॉर्म को फिलअप किया है और एडिट अगर नहीं करते हैं, अगर आपका गलती है तो एडिट तो आपको करना ही होगा, अगर आप एडिट नहीं करते हैं तो कम से कम आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड जरूर से जरूर करना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो यहाँ पे जैसे कि आप सब देख पाएंगे यहाँ पे बताया गया है कि एडिट और अपलोड डॉक्यूमेंट के बारे में जो निर्देश दिया गया है। तो सबसे पहले एडिट के बारे में हम आपको बता चुके हैं, अगर किसी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका जैसे नाम के स्पेलिंग में या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ या कोई एड्रेस या फिर कोई प्रमाण पत्र का नंबर आप लिख रहे थे या डेट लिख रहे थे उसमें कुछ गलती हो गया है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और लास्ट में जो होता है अपलोड डॉक्यूमेंट, ये अपलोड डॉक्यूमेंट सभी को करना होगा, जो एडिट करेंगे उनको भी अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, जिसे एडिट करने की जरूरत नहीं है जिसका गलती नहीं है उसको भी यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है जैसे कि जो महत्वपूर्ण था, यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी की विवरणी मतलब कि जो भी डिटेल है, यदि कोई सुधार वांछित हो तो आपको सुधार अगर करना है तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना होगा और अपना यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से। उसके बाद जब लॉगिन करेंगे तो आपको होम पेज पर जो है ये ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हियर फॉर प्रीव्यूज एंड एडिट योर डिटेल्स, इसका ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको बारीकी से जो है पर्सनल डिटेल, एडुकेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट ऐसा करके ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप जो है अपना जो भी सुधार की आवश्यकता हो वो सुधार कर लेंगे। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब आप ऑनलाइन सुधार करते हैं तो कौन कौन से आप ऑप्शन को सुधार कर सकते हैं, कौन कौन से बिंदु को आप सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बताया गया, यहाँ पे बताया गया अभ्यर्थी का नाम, और अभ्यर्थी का नाम में स्पेलिंग अगर इरर है, गलती है, तो स्पेलिंग को सुधार करना है। आप डायरेक्ट एक नाम से दूसरा नाम फिर नहीं हो जाएगा, जैसे राम है तो श्याम करना है तो फिर वहाँ पे दिक्कत आपको हो जाएगा, स्पेलिंग में आपको सुधार करना है। माता पिता का नाम का स्पेलिंग में आपको सुधार करना है। कोटी जो है आपका सामान्य, इसका जो भी प्रमाण पत्र रिलेटिव जो भी है अगर ऐसा हो गया है तो वो आप सुधार कर सकते हैं। EWS हो गया, क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, जो आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, प्रमाण पत्र का संख्या अगर गलत फिल हो गया तो वो आप सुधार कर सकते हैं। निर्गत करने का तिथि अगर गलती से गलत फिल हो गया तो वो आप सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर जन्मतिथि के बारे में बताया गया है कि अपना जन्मतिथि अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आप अपना दिन का नाम सुधार कर सकते हैं और माह का नाम सुधार कर सकते हैं, ईयर आप सुधार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे यह भी बताया गया शैक्षणिक मतलब एडुकेशन से रिलेटिव या अन्य कोई भी प्रमाण पत्र जो कि निर्गत की तिथि और प्रमाण पत्र संख्या अगर कोई गलती है उसको आप सुधार कर सकते हैं। और रहा बात एड्रेस की, तो एड्रेस में आप जो भी सुधार करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको सुधार कर लेना, और सुधार करने के बाद जो है आपको आपको जो है ना सबमिट कर देना है बटन पे, जैसे ही आपका सुधार हो जाएगा तो उसके सबमिट कर देंगे तो अगले स्टेप में आप चले जाएंगे। ठीक, और यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे देखिए बताया गया कि यदि किसी अभ्यर्थी को सुधार करने की आवश्यकता नहीं है
जैसे कि आपका अगर एडिट नहीं करते हैं, मतलब किसी पे ही प्रकार का कोई गलती नहीं है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या बताया, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सबसे नीचे में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स मिलेगा सबसे नीचे में, उस पर आपको टिक करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप जो है अगले चरण मतलब स्टेप टू में चले जाएंगे एडुकेशन डिटेल में, और एडुकेशन डिटेल में प्रवेश करने के बाद जो है आप अपना चेक कर लेंगे कि आपका जो भी प्रमाण पत्र संख्या और डेट था वो सही है, तो सही है तो फिर से आपको वही करना होगा। स्टेप टू में जैसे ही जाने के बाद जो इसमें वही बताया गया कि जैसे फिर से टिक करके आपको नेक्स्ट सेव कर देना है, और स्टेप थ्री में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और यहाँ पर देखिए बताया गया है, नीचे की तरफ जब आएंगे यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए बताया अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्रों की स्कैन पर संबंधित कॉलम PDF, अगर आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा, और साइज रखेंगे 50 MB के बीच में ही आपको अपलोड करना है। और ये जो अपलोड होगा डॉक्यूमेंट हर स्टूडेंट का होगा, जो एडिट करेगा उसको भी करना है, जिसका जो एडिट नहीं करता है उसको भी जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे क्या क्या करेंगे, जब आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे पीछे में जो भी ऑप्शन में टिक करेंगे उसके अनुसार आपको जो है अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि कोई अगर ऐसा स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर से रिलेटिव अगर प्रमाण पत्र फर्स्ट में ही अगर टिक नहीं किया था तो उनको कंप्यूटर से रिलेटिव कोई भी प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो ऑप्शन नहीं आएगा, अगर कोई टिक करता है तो उसको आएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया मैट्रिक अंक और प्रमाण पत्र, यहाँ देखिए अंक मतलब हो गया मार्कशीट, प्रमाण पत्र मतलब हो गया सर्टिफिकेट, और इंटरमीडिएट का भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे देखिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र IWL, अगर कोई स्थानीय निवासी बिहार का निवासी है, अगर कोई बिहार का निवासी है फॉर्म फिलअप किया है तो आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, या फिर कोई अगर EWS NCL SCST से है तो उसको जो है अगर ऐसा आपने कभी फिल किया है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और यहाँ पे अगर कोई दिव्यांगता है मतलब किसी प्रकार हैंडीकैप है, अगर यस पे टिक किए होंगे तो आपको ऑप्शन आएगा और आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे देखिए बताया गया स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र, अगर कोई ऐसा टिक किया है यदि लागू हो देश, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप टिक किए होंगे तो आपको ऑप्शन आएगा आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। कंप्यूटर संबंधित प्रमाण पत्र, अगर टिक किए होंगे तो आपको अपलोड करना होगा, अगर नहीं टिक किए होंगे तो ऑप्शन नहीं आएगा तो फिर आपको अपलोड नहीं करना है। टाइपिंग रिलेटिव प्रमाण पत्र, अगर टिक किए होंगे तो ऑप्शन आएगा और आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे फोटो युक्त पहचान पत्र, मतलब फोटो वाला कोई भी पहचान पत्र यहाँ पे साठ में जो है यदि लागू हो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कि फोटो युक्त पहचान पत्र सभी को अपलोड करना होगा। फोटो युक्त पहचान पत्र में आपका हो जाता है आधार कार्ड, हो जाता है आपका, हो जाता आधार कार्ड जब भी अपलोड करेंगे दोनों साइड का अपलोड करेंगे, और उसके बाद आपका पैन कार्ड हो जाता है, वोटर कार्ड हो जाता है, मतलब जिसमें आपका फोटो है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपका हो जाता है, ये सारा चीज़। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी बताया कि बिहार सरकार में सरकारी संविदा या कार्यरत होने वाला प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर आप पीछे टिक करते होंगे तो आपको ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना होगा। और जैसे ही ये अपलोड कर देते हैं, प्रमाण पत्र अपलोड करने के उपरांत आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स, उस पर टिक करेंगे और फाइनलाइज बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये फाइनलाइज सबमिट करने से पहले अगर आपको यहाँ पे बताया गया यदि किसी अभ्यर्थी प्रमाण पत्र को पुनः अपलोड करने की आवश्यकता हो तो री अपलोड वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा फाइनलाइज जो है करने से पहले आप री अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक बार फाइनलाइज सबमिट कर देंगे तो उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आप सुधार नहीं कर सकते हैं। आवेदन पूर्ण रूप से समर्पित करने के उपरांत अभ्यर्थी किसी प्रकार की यहाँ पे सुधार नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक। और यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण जो है नोट दे करके दिया है, और नोट को आपको ध्यान से देखना है, और चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि जो था 11/12/2023 था डेट फॉर्म फिलअप करने का, तो तक निर्गत प्रमाण पत्र ही अपलोड कर मतलब कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो भी प्रमाण पत्र होगा जो भी आप बनाते हैं वो आप ध्यान रखना होगा उसका जो निर्गत तिथि जो होगा 11/12/2023 से पहले का होना चाहिए, अगर बाद का होता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे आप सब देख लेंगे खुद से, उसके बाद नीचे इधर कुछ भी नहीं है। तो चलिए सब वेबसाइट पर जाते हैं और कैसे लॉगिन करेंगे और कैसे क्या करना वहाँ पर भी हम आपको थोड़ा कुछ बता देते हैं। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर आएंगे तो इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और आने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और सबसे पहले एक बार हम इसको रिफ्रेश कर देते, तभी से मेरा जो है ये रिफ्रेश नहीं किया था यहाँ पर, ठीक। क्लिक हियर फॉर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, या फिर यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे हम क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो यूजर पासवर्ड जो है आ चुका है, और यहाँ पे हम जो है अपना जो भी कैप्चर है कैप्चर को हम यहाँ पे फिल करते हैं, और कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पे हम जो लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद जो मेरा लॉगिन
हो जाएगा। अगर सारा चीज़ सही रहता है, देखिए मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, और जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो शो करेगा ही करेगा। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको एडिट करने की आवश्यकता है, आपका जो भी आप इससे पहले फॉर्म फिलअप किए थे तो आपने अपना जो है प्रिंट आउट जो निकाला था उसमें आपने चेक किया होगा कि आपका कुछ गलती है। अगर कुछ गलती है, कुछ भी जो मैंने आपको पीछे में बताया, अगर कुछ भी गलती है तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए मिल रहा होगा सबसे ऊपर में, क्लिक हियर फॉर प्रीव्यूज एंड एडिट योर स्कॉलरशिप, यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पे आ गया। सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल को क्या करना है, आपको एडिट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जैसे ही आ पाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर जिससे आपको एडिट करना है वहाँ पे यस और नो का ऑप्शन मिलता है। ये अगर एडिट करना है तो यस करेंगे, अगर एडिट नहीं करना है तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं नीचा बॉक्स में आपको अपना सुधार करके लिख देंगे, और नीचे की तरफ एक तरफ से आपको सारा चीज़ यहाँ पे देख लेना है, ठीक। देखने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और अपना जो भी एड्रेस वगैरह वगैरह जो भी होगा आप यहाँ पे देख लेंगे, सारा चीज़ आपका सही रहता है तो नीचा में आपका सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद स्टेप टू में एडुकेशन डिटेल में आप चले जाएंगे। जैसे ही एडुकेशन डिटेल में आप जाते हैं तो एडुकेशन डिटेल में जाने के बाद आपका जो भी प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत की तिथि होगा उसमें जो है आपको चेक कर लेना है। जो भी प्रमाण पत्र नंबर अगर सही है तो कोई बात नहीं, नीचे में सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। फिर स्टेप थ्री में आप अपलोड डॉक्यूमेंट में जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे बोला जाएगा, जो भी ऑप्शन आ रहा है वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई जो है दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का जो यहाँ पे अपडेट यानी कि एडिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे होम पेज पे वापस से आ जाते हैं, और यहाँ पे जो होम पेज पे जैसे ही आ गए तो फिर से हमको लॉगिन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन फॉर लॉग आउट का ऑप्शन मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो चलिए फिर से हम यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं, क्योंकि फिर से जो ये मेरा लॉग आउट हो गया है। तो चलिए यहाँ पे दोबारा से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मतलब हम उसके बारे में बताएंगे कि जिसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है लॉगिन करते हैं, ठीक। तो लॉगिन यहाँ पे हम क्लिक किए और लॉगिन जो है लॉगिन करने के बाद फिर से आ गया। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि जिसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं है, तो उसको क्या करना है। तो उसको सबसे पहले नीचे आना होगा, और नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए आपको एक बॉक्स मिलेगा, टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अगला जो स्टेप में चले जाएंगे। और अगला जो स्टेप होगा एडुकेशन डिटेल का होगा, तो आप जो है नीचे में जो है सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले अपना जो है एक बार डिटेल को चेक कर लेंगे। अगर कुछ गलती रहेगा तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक। और एडुकेशन डिटेल में जाएंगे, चेक कर लेंगे, और नेक्स्ट में जो अपलोड डॉक्यूमेंट में जाएंगे वहाँ पे चेक कर लेंगे, और अपलोड डॉक्यूमेंट जो भी आपसे बोलेगा 50 KB या 100 1 50 KB से लेकर 1 MB तक के बीच में PDF में जो है आपको सभी प्रमाण पत्रों का जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है, उसके बाद फाइनलाइज कर देना है, और फाइनलाइज करने से पहले एक बार पूरा चेक कर लेंगे आप। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।